और मुझे गर्व है कि मैं उस कार्यक्रम में काम करता हूं। मित्रों, आप हास्य के नाम पे टेलीविजन पे जितनी फूलता आ गई है, जहां पे मैं कुछ कार्यक्रम देखता हूं तो मुझे शर्म आती है। एक ऐसी दादी जो हर व्यक्ति को चूमना चाहती है, एक ऐसी बुआ जो शादी के लिए बेताब है, एक पति जो अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है, मैं उस कार्यक्रम में काम करता हूं जिसमें एक बेटा हर बात पे अपने बाप के पांव छूता है। शैलेश लोढ़ा की ये बातें तो लोग आज भी नहीं भूले हैं। उन्होंने कुछ साल पहले कपिल शर्मा और उनके शो को भरे मन से बेइज्जत किया था, लेकिन अब वही शैलेश कपिल शर्मा शो में पहुंचकर उनका गुणगान करने लगे हैं। जी हाँ, कपिल शर्मा शो के 9 सालों के इतिहास में वो मौका आ गया है जब तारक मेहता शो के तारक मेहता को भी अपना सिर कपिल के आगे झुकाना पड़ गया है। शैलेश उस वक्त कपिल पर बुरी तरह से भड़क गए थे, लेकिन जब शैलेश के इस बयान पर कपिल शर्मा की प्रतिक्रिया पूछी गई थी तो उन्होंने बड़े प्यार से इस पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया था। लेकिन वक्त बदला और कपिल शर्मा शो टेलीविजन का नंबर 1 शो बन गया। शैलेश अब कपिल शर्मा शो के अगले एपिसोड में नजर आएंगे। शैलेश के साथ देश के कई और बड़े कवि भी कपिल के शो पर पहुंचे हैं। अब देखना होगा कि कपिल शैलेश से अपना पुराना बदला कैसे लेते हैं। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट में बताइए, और भी ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।